हेलो फ्रेंड, मंजू फूड एंड क्रेडी वाइडीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आलू और प्याज की ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी लेके आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 टमाटर लिए हैं, उनको अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद हम टमाटर के ऊपर डंडल को उतार देंगे। टमाटर को हमने उबालना है, इसलिए हम टमाटर की पीछे की साइड एक चाकू की सहायता से कट लगा लेंगे। क्रॉस लगने से ये होगा कि टमाटर का छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा, क्योंकि हमने टमाटर को उबालना है। तो टमाटर को हम उबाल लेते हैं। टमाटर उबल गए हैं, अब हम इसका छिलका, आप देख रहे हो कि छिलका बहुत आसानी से उतर रहा है। टमाटर अभी गर्म है, इसलिए मैं सभी टमाटर को इस के छिलका उतार कर और इसको छोटा छोटा कट कर लेंगे। तो हमने टमाटर को छोटा छोटा कट कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम कटे हुए टमाटर को डाल देंगे, और जितना हमने टमाटर लिया है उतना ही हम प्याज लेंगे। प्याज को भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया है, प्याज भी डाल देते हैं। अब हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ा सा सेंधा नमक डालूँगी, नमक आप नॉर्मल भी डाल सकते हो। इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, काला नमक डालने से टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और फिर हम एक नींबू डालेंगे। आप अपना, अगर खट्टा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो आप 2 नींबू भी डाल सकते हो। और इस तरह से हम सभी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और एक चम्मच की सहायता से इनको मैश करते हैं। मैश करके टमाटर को थोड़ा सा मैश करेंगे, क्योंकि बॉयल उबले हुए हैं टमाटर तो जल्दी मैश हो जाएंगे। इन सभी को मैश करके तो देखिए हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। कि देखा आपने कितनी जल्दी रेसिपी बनकर तैयार होगी। इस तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिल नहीं करता कुछ सब्जी वगैरह बनाने के लिए या ऑयली ज़्यादा खाने के लिए, तो इस तरह से आप बनाकर रोटी खा सकते हो। आप मानोगे नहीं, अगर आपको भूख नहीं है फिर भी आप रोटी, 2 रोटी आराम से खा लोगे। बच्चे भी इसको एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। इसे आप किसी भी चावल, खिचड़ी, पुलाव, परांठा, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हो। लंच में, ब्रेकफास्ट, डिनर कभी भी खा सकते हो। तो अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।